हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में कैसे हम लोग किसी भी पिक्चर को पिक्चर कैप्शन इफेक्ट या पिक्चर कैप्शन लेआउट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपने इमेज को सेलेक्ट करना है और फिर क्लिक करना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे पिक्चर लेआउट, जो कि ये पिक्चर स्टाइल ग्रुप में है। दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर में आप अपने सिर्फ कर्सर को रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर कैप्शन लिस्ट, और सेम इफेक्ट आपके ओरिजिनल पिक्चर में अप्लाई हो जाता है। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपने इसमें क्लिक करना है और ये अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों आप इसे पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को सिलेक्ट करिए, आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट में क्लिक करिए, या फिर आप टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आप इस स्मॉल एरो पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। अब आपने इस टेक्स्ट रिलेटेड कोई भी एडिटिंग करनी है तो आप सीधा इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और आप इस फॉन्ट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पिक्चर को एडिट करने के लिए आप सबसे पहले पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इस पिक्चर टूल वाले फॉर्मेट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं या फिर आप इसमें इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करने के बाद, सब कुछ होने के बाद आप चाहे तो इसे मूव करिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।